hi guys i welcome you all to insightssb youtube channel and i'm here with the most requested videos that is last minute revision videos तो आज से वो स्टार्ट हो रही हैं और अब हर रोज एक वीडियो जो है वो ऐड होगी सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज नाइसली विद मी बिकॉज इवन मैं आपको बताऊंगी ऑल इंडिया रैंक सेवन जो इस बार रहे हैं शुभम ही हैड बीन फॉलोइंग मी एंड ही अप्रिशिएटेड लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज़ द मोस्ट बिकॉज इसके थ्रू उनके एटलीस्ट यू नो सिक्स से सेवन क्वेश्चन सही हो जाते थे सो इवन अवार्ड्स वाली वीडियो से लास्ट टाइम दो क्वेश्चन आए थे आई विल सुजेस्ट प्लीज़ अच्छे से पढ़ना इसमें जो फर्स्ट चीज़ है जो हमें करना है First, who is who वाले है फर्स्ट हु इज जो क्वेश्चन है ठीक the है एसोसिएटेड है जैसे अगर ऑस्कर्स हैं उसमें कितनी फील्ड है? हैं उसके बाद अवार्ड पहली बार किससे मिला था इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट नाइसली बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आएंगे okay? चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन फर्स्ट थिंग इज ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें दे आर ऑल्सो अवार्ड और ये दिए जाते हैं फिल्म के लिए फर्स्ट टाइम दिए गए थे ऑस्कर अवार्ड okay? के बारे में इन डेप्थ बाद में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट इज पुलर अवार्ड पुलित्ड की अगर हम बात करें जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है एंड इट इज बींग गिवन सिंस नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन ओके फर्स्ट इंडियन जिनको पुलितजर प्राइज दिया गया था उनका नाम क्या है द नेम ऑफ द पर्सन इज गोबिंद बिहारी लाल और उन्हें जो ये अवार्ड है दिया गया था नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन में ठीक है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दट यू नी टू नो बाउ पुलजर प्राइजेज की ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो देता है एंड दिस इज गिवन फर द अचीवमेंट न्यूज पेपर मैगजीन या फिर कोई जर्नलिज्म लिटरेचर म्यूजिकल कम्पोजिशन रही है दीज आ द स्पेसिफिक थिंग्स याद रखना तो उसी के लिए दिया जाता है कलिंगा अवार्ड जो है दिस इज रिलेटेड टू साइंस एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जितने भी साइंस से रिलेटेड है उन्हें अच्छे से याद रखना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज जो है इनिशली सिर्फ और सिर्फ फाइव फाइव जो फील्ड हैं उसी में दिया जाता था दैट इज़ पीस लिटरेचर मेडिसिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री उसके बाद जो सिक्स फील्ड है ये स्टार्ट हुई थी इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन दैट इज इकनॉमिक्स ठीक है ये एड हुआ था दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ है ये दिए गए थे नाइनटीन हंड्रेड एंड वन में अब बात करते हैं फर्स्ट इंडियन या फिर फर्स्ट एशियन जिनको मिला है नोबेल प्राइज दैट इज़ रबिंद्र नाथ टैगोर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताओ फर्स्ट एशियन क्या कौन है जिन्हें मिला है या फिर पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन कौन है तो उसका जो आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी रबिंद्राथ टैगोर याद रखना ठीक है इसके साथ में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी एंड दिस इज ऑफ्टनली रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम फर्स्ट वन इज कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसका नाम क्या है ओके okay. एंड वो किसने कंपोज किया है दूसरी जो चीज़ है दैट इज जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है ओके okay, एंड उसके साथ साथ क्या है नाशा ऑफ़ कोर्स आप सबको याद भी होंगी ये चीज़ें तो आप जल्दी से लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती ही आती हैं द नेक्स्ट वन इज़ द मैन बुकर प्राइज़ ये दिया जाता है लिटरेचर में एंड 1969 सिक्सटी ऑनवर्ड्स ये दिया जा रहा है मतलब फर्स्ट टाइम नाइनटीन में दिया गया था ओके okay. अब इसके बारे में मैं आगे इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करूंगी जो भी अवार्ड्स है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती जाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो सिर्फ हमें ये याद रखना है कि कौन सी टीज से एसोसिएटेड है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ग्रामी अवार्ड ग्रामी अवार्ड जो है म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं प्लीज रिमेंबर इट नाइनटीन से दिए जा रहे हैं उसके बाद पूछा जाता है कभी कभी कि फर्स्ट इंडियन या फिर जो ऐसे इंडियन जिनको सबसे ज्यादा ग्रामी मिले हैं इंडियनों के नॉट लाइक इंटरनेशनली ओनली इंडियन आई एम टॉकउट इंडियन विद मोस्ट ग्रामी कौन है पंडित रविशंकर ठीक है पंडित रविशंकर के अलावा भी औरों को भी मिला है जो अवार्ड है दैट इज लाइक ए आर रहमान जो है गॉट इट देन जाकिर हुसैन जो है उन्हें भी मिला है उसके अलावा विश्व मोहन भट्ट ठीक है विश्व मोहन भट्ट इन्हें भी मिला है अब आजकल किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे म्यूजिक से एसोसिएट अगर हम करते हैं तो पंडित रविशंकर जो हैं ये किस पर्टिकुलर म्यूजिक से जैसे कि तबला बजाते हैं या फिर सितार बजाते हैं तो ऐसे जो क्वेश्चन है आजकल पूछे जा रहे हैं जल्दी से आप नीचे कमेंट करो पंडित रविशंकर किस से एसोसिएटेड है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजाते हैं इसके अलावा नॉट ओनली पंडित रवि शंकर मुझे जाकिर हुसैन के बारे में भी आप बताएंगे कि ही इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट ओके नेक्स्ट जो आता है दैट इज रेमन मैक्स्य अवार्ड इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है ठीक है एशियाज नोबेल प्राइज रेमन मैक्स्य को बोला जाता है रेमन मैक्स्य कौन थे ये एक्चुअली सेवेंथ प्रेजिडेंट थे ऑफ फिलीपींस क्या थे सेवेंथ प्रेजिडेंट ऑफ फ़िलिपींस अच्छा फिलिपींस की जो कैपिटल है वो कौन क्या है जल्दी से बताएं वॉट इज द कैपिटल ऑफ फिलिपींस मनीला है राइट right? ओके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग से मैक्स दैट इज किस चीज़ से एसोसिएटेड है सो ये गवर्नमेंट सर्विस सोशल अवार्ड या फिर कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड लिटरेचर कम्युनिकेशन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दीज आर द टॉपिक्स जिसके अंडर ये पर्टिकुलर जो अवार्ड है दिया जाता है और नाइनटीन से दिया जा रहा है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विल डिस्कस लेटर दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर हम बात करते हैं दिस इज गिवन फॉर द फिल्म ओके एंड ये नाइनटीन से दिया जा रहा है देखो मेजरली अवॉर्ड आप देखना 1969, 69 नाइनटीन सिक्सटी बहुत कॉमन है तो 1969 लिख के और प्लीज अप कर लेना कि कौन कौन से स्टार्ट uh, हुए थे ठीक है नेक्स्ट वन इज ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में ये इंस्टीट्यूट किया गया था लेकिन जो ये फर्स्ट टाइम दिया गया था दैट वाज इन 1965 ये फर्स्ट टाइम अवार्ड जो है वो दिया गया था एंड ये किसको दिया गया था शंकर स्वरूप शंकर कुरूप जो है उनको दिया गया था फॉर मलयालम ठीक है मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने लिटरेचर लिखी थी उसके ऊपर ये दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करें ये जो है ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती जो है वो इसमें दिया जाता है ओके द नेक्स्ट वन इज सरस्वती सम्मान अब देखो सरस्वती वॉट विल इट बी रिलेटेड ऑफकोर्स एजुकेशन समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन राइट लिटरेचर नाइनटीन नाइनटी वन ऑनवर्ड्स और जितने सम्मान वाले हैं ना देखना मैक्सिमम ना लिटरेचर से रिलेटेड मिलेंगे अब तुम देखना है यहाँ पे भी देखो सरस्वती सम्मान है ठीक है व्यासा सम्मान है स्पेसिफिकली so लिटरेचर से एसोसिएटेड है नेक्स्ट बात करेंगे भटनागर अवार्ड साइंस से रिलेटेड है साइंस वालों को तो स्टार मार्क कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धनवंतरी धनवंतरी आपने देखा होगा मेडिकल स्ट्रीम से एसोसिएटेड है धनवंतरी हॉस्पिटल बहुत सारे नाम है, है ना तो मेडिकल साइंसेस से उसके बाद हम बात करेंगे बॉडलॉग अवार्ड बॉर्डलॉग अवार्ड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्मल बॉडलॉग जो थे उनको नोबेल फ्रीज प्राइज दिया गया था फॉर लाइफ टाइम वर्क टू फीड अ हंगरी वर्ल्ड एंड आपने सुना होगा ग्रीन रेवल्यूशन बिकॉज ही स्टार्टेड दिस थिंग जिसके थ्रू यू नो मतलब एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज लेके आए थे सो बोर्डलॉग इज वेरी फेमस एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है याद रखना है ठीक है नेक्स्ट वन इज शंकर अवार्ड शंकर अवार्ड जो है इंडियन फिलोसफी कल्चर आर्ट के लिए दिया जाता है डेविड कोहेन अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर लिटरेचर के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है वो दिया जाता है द नेक्स्ट वन इज सरस्वती सम्मान व्यासा सम्मान में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वचस्पति अवॉर्ड जो है वचस्पति संस्कृत ठीक है कबीर सम्मान देखो कबीर जो थे ही वॉज वेरी कम्यूनल ऐसे याद रखना है कम्यूनल थे ठीक है मतलब स्पेसिफिक मुस्लिम हिंदू ये सब बंटवारा नहीं था कबीर ये दो के दोहे सबके लिए हैं सो सोशो कम्यूनल ऐसे करके याद रख लो ठीक है नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है द्रोणाचार्य कोच थे तो इसलिए कोच को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड इज जस्ट स्पोर्ट्स ठीक है ये याद रखना है यर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके नहीं है इनका बस एसोसिएशन याद रखना है ईयर स्पेसिफिकली जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे डाले थे वो वाले अवार्ड्स के यर्स जरूरी है नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत रत्न पे ठीक है भारत जो अवार्ड है ये एक्चुअली ब्रॉन्स का बना हुआ है याद रखना है किस चीज का बना हुआ है ब्रॉन्ज का बना हुआ है और इस पर जो मोटो है दैट इज रिटन हियर एंड इट इज सत्यमेव जयते ठीक है मोटो क्या है इसका सत्यमेव जयते ठीक है एंड टॉकिंग अबाउट ये जो लिखा हुआ है भारत रत्न ये लिखा हुआ है देखो यहां पे ध्यान से देखो हिंदी में लिखा हुआ है फर्स्ट थिंग और जो ये स्क्रिप्ट है दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये दिया जाता है इट इज हाइएस्ट सिविल अवार्ड ओके अगर पूछा जाए हाईएस्ट सिविल ऑनर जो है या हाईएस्ट सिविलन अवार्ड है वो कौन सा है भारत रत्न है स्पेसिफिकली एडवांसमेंट इन आर्ट लिटरेचर सर्विस इसलिए दिया जाता है एंड रिकोगशन इन एनी पब्लिक सर्विस ये हाइस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है अगर नाइनटीन फिफ्टी फोर में ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम तो जो फर्स्ट रेसिपियंस थे वो कौन कौन थे ये क्वेश्चन आता है सी राजगोपालचारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड सी वी रमन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सी राजगोपालचारी को वाई बिकॉज ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है और इनको फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल भी बोला जाता है ठीक है तो ये याद रहेगा उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे और सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे थे इनके टाइम इनके बर्थ इसके साथ साथ आप टीचर्स डे के नाम से भी आ, काफी फेमस हैं इनका जो बर्थडे है दैट इज फाइव सेप्टेम्बर उस टाइम पे टीचर्स डे बनाया जाता है ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सी वी रमन सी वी रमन जो है ही हैड वन द नोबेल प्राइज आप सब लोग जानते हैं ठीक है नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है अब इनके बारे में, में आगे डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइजेज में ठीक है उसके बाद जो फर्स्ट फॉरेनर हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था दैट वाज अब्दुल गफार खान इनके अलावा एक और हैं जिन्हें दिया गया था इन 1990 दैट इज नैनसन मंडेला नैनसन मंडेला को भी भारत रत्न दिया गया था दे आर द ओनली टू फॉरनर्स जिन्हें दिया गया है आज तक उसके बाद फर्स्ट पर्सन जिन्हें पॉस्टिमसली मतलब आफ्टर डेथ अवार्ड किया गया था दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री एंड फर्स्ट वुमेन जिन्हें Tha, that is Indira Gandhi. She was also the first female Prime Minister of India. ओके सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इसके बाद हम लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करते हैं इन्होंने जय जवान जय किसान बोला था यू रिमेंबर जय जवान जय किसान इसके साथ साथ आ, बहुत फेमस रहे हैं फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने बहुत प्रमोट किया ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन इफ़ यू रिमेंबर अमूल जो थी आ, उस टाइम पर नाइनटीन सिक्सटी फाइव के अराउंड यू नो इन्होंने काफ़ी पुष्ट दिया था उस चीज़ को सो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन ठीक है फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें अवार्ड मिला एंड ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेसिपियंट ठीक है यंगेस्ट मतलब जस्ट एट द एज ऑफ फोर्टी ईयर्स बिकॉज इफ यू कंपेयर विद अदर्स नो फोर्टी ईयर्स इज वेरी यंग एज टू गेट द गेद सिविल अवार्ड ऑल टूगेदर सो द पर्सन नेम इज सचिन तेंदुलकर आप सब लोग जानते होंगे किससे एसोसिएटेड है ही इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट ओके याद रहेगा चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स पद्म अवार्ड्स जो हैं ये इंस्टीट्यूट किए गए थे ऑन सेकेंड जनवरी 1954 इसमें सेंटर में लोटस है आप सब लोग देख सकते हैं क्या है सेंटर में लोटस है। एंड लिखा जो हुआ है इसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है एग्जैक्टली exactly जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था देवनागरी स्क्रिप्ट में है ना भारत रत्न भी अभी हमने डिस्कस किया था सेम चीज देखी थी हमने अब पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री की अगर हम बात करें इनको पहले बोला जाता था पहला वर्ग ठीक है ये दूसरा वर्ग था और ये तीसरा वर्ग था ठीक है तो इस नाम से बोला जाता था ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग कि ये जो है पद्म भूषण दिस इज सेकेंड हाइएस्ट नेशनल अवार्ड जैसे हमने फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये सेकेंड हाइएस्ट नेशनल अवार्ड है ठीक है एंड टॉकिंग अबाउट पद्म भूषण एंड पद्मश्री ये जो है थर्ड हाइएस्ट और ये फोर्थ हाइएस्ट है याद रखना है ठीक है सिविलियन अवार्ड की बात कर रही हूँ मैं नाउ टॉकिंग अबाउट द नेम चेंज तो ये पहला दूसरा और तीसरा वर्ग इन्हें बोला जाता था ये जो नेम चेंज हुआ 1955 में इसका नेम चेंज करके और पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया ओके अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे टू द गैलेंट्री अवार्ड्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड सो इफ आई टॉक अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स सो ये जो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र ये हैं हमारे वॉर टाइम ठीक है वॉर टाइम अवार्ड्स हैं और ये वाले जो नीचे देख रहे हो आप अशोक चक्र कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये हमारे हैं पीस टाइम अवार्ड्स ठीक है एंड uh, ये जो अवार्ड है इसमें परमवीर चक्र जो है दिस इज़ वार्ड दिस इज हाइएस्ट हाइएस्ट वॉर टाइम अवॉर्ड ठीक है ये क्वेश्चन भी आ चुका है ओके okay? एंड अशोक चक्र जो है ये क्या है हाइएस्ट पीस टाइम अवॉर्ड ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर अवॉर्ड वट वी नीड टू रिमेंबर इज परमवीर चक्र के जो फर्स्ट हुईज हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जो परमवीर चक्र था ये किससे मिला था ये मिला था सोमनाथ शर्मा को अब ही वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा ही वॉज कैप्टन सोमनाथ शर्मा या आप मुझे बताएंगे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लेट मी सी डिफेंस प्रिपेरिंग यू मस्ट नो दिस फर्स्ट एंड ओनली फोर्स ऑफिसर जिन्हें परमवीर चक्र मिला है वो कौन है सो द आंसर फॉर द सेम इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों ठीक है ये याद रखना है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ही वॉज इन नंबर एटीन स्कॉन ऑफ इंडियन एफोर्स ओके रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम ऑल दिज ऑफिसर्स हैव गिवन देयर लाइफ एंड देयर ब्लड टू द नेशन एंड आई होप इसी जस्बे के साथ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम अगर कर रहे हो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग द ऑफिसर ओके नेक्स्ट हम जो मूव करेंगे दैट इज कीर्ति चक्र ये जो कीर्ति चक्र है दिस इज इन सिल्वर ओके शौर्य चक्र जो है ये ब्रॉन्ज में है ये डिफरेंस है याद रखना है इन दोनों के बीच में ओके okay? और इसके साथ साथ जो ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं ये देती हैं ऑन रिपब्लिक डे परेड अभी आप लोगों ने देखी होगी रिपब्लिक डे परेड तो उस टाइम दिए गए हैं अभी इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बिकॉज विद इन वन मंथ एग्जाम है सो so क्वेश्चन नहीं आएगा ओके ना नेक्स्ट वन इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका जो नाम है दैट हैड बीन चेंज टू मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड ओके okay? इस नाम से अब इसको जाना जाता है और ये उनको दिया जाता है जो भी कंट्री uh, को प्राउड कराता है फील एट व्हाट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ठीक है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसने भी प्राउड फील कराया एंड इट शुड बी द परफॉर्मेंस शुड बी आउटस्टैंडिंग इन द पीरियड ऑफ फोर इयर्स जैसे अगर इस साल दिया जा रहा है इससे पहले चार साल उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए इसलिए दिया जाता है ये एंड इफ़ यू नो अबाउट ध्यानचंद ही हैड बीन रिलेटेड विद हॉकी ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है है ना हॉकी के बेसिकली जादूगर के नाम से एंड टॉकिंग अबाउट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये नाइनटी वन में लॉन्च किए गए थे द फर्स्ट हु इज हु वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो ये अवार्ड था ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को एंड ही इज़ रिलेटेड टू चेस आप सब लोग जानते हैं 91 92 में दिया गया था फर्स्ट रेसिपेंट ये थे यंगेस्ट की बात किए जा करते हैं तो अभिनव बिंद्रा ही वॉज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड एंड ही इज रिलेटेड टू शूटिंग आप सब जानते हैं ओके नेक्स्ट इज फर्स्ट वेमेन जिन्हें अवार्ड दिया गया है दैट इज़ करनाम मलेश्वरी ठीक है करनाम मलेश्वरी जो है उनको दिया गया एंड शी वॉज गिवन इन नाइनटीन नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव वाला जो ईयर था उसमें दिया गया था ओके okay. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ओनली प्लेयर जिन्हें ये अवार्ड दो डिफरेंट गेम्स के लिए मिला है दैट इज पंकज अडवाणी उनको स्नूकर और बिलियर्ड दोनों के लिए मिला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी एंड टॉक द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और ये पक्का पूछे जाते हैं फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है इसके बाद फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है और इंडियन क्रिकेटर्स जिन्हें दिए गए हैं ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जो हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है दैट इज़ मिथाली राज फर्स्ट इंडियन दैट इज़ सचिन तेंदुलकर ओके सचिन तेंदुलकर अभी अभी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया किसी चीज़ में जल्दी बताओ मुझे अवार्ड किसके लिए डिस्कस किया था अभी यंगेस्ट जो थे जिनमें अवार्ड दिया गया था राइट नेक्स्ट वन इज़ जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं कौन कौन हैं एक तो विराट कोहली हैं जिन्हें ये दिया गया है उसके बाद uh, रोहित शर्मा हैं ठीक है उसके बाद सचिन तेंदुलकर हैं ठीक है सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया फिर एम एस धोनी है ठीक है बस यही है जिन्हें मिला है अब एक बार जल्दी से 2022 वाले डिस्कस कर लेते हैं अब ये दिसंबर में दिए गए थे इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और आजकल क्वेश्चन कैसा आ रहा है ना कि अच्छा ये श्री धर्मवीर सिंह जो हैं ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके साथ साथ मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ रहे हैं कि अच्छा श्री बी सुरेश जो हैं इनको मैच करो कि ये कौन से गेम्स एसोसिएटेड है सब ऐसे जम्बल करके दे, दे देंगे और आपको करने पड़ेंगे ठीक है सो इस बार जो दिए गए हैं दैट इज़ श्री नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स के लिए श्री बी सुरेश कबड्डी के लिए श्री धर्मवीर सिंह हॉकी के लिए और अश्विनी अकुंजी सी दैट इज फॉर एथलेटिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये चारों नाम याद कर लेना चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन ओके नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज अर्जुन अवार्ड ओके अर्जुन अवार्ड जो है दिस इज सेकंड हाईएस्ट अवार्ड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स आफ्टर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ओके और ये जो इंस्टीट्यूट किए गए थे दैट वाज इन 1961 और ये दिए जाते हैं अगैन फॉर गुड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अगर आपने चार साल इंटरनेशनल लेवल पे दिया और चार साल कौन कौन से ध्यान देना ओलंपिक गेम्स एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम वर्ल्ड कप ठीक है उसके साथ साथ क्रिकेट या कोई भी इंडिजिनस गेम इंडिजिनस गेम जैसे कि आपसे मलखम की बात करते हैं ठीक है मलखम्बा तो अगर ऐसा कोई इंडिजिनस गेम है उसके लिए दिए जाते हैं और कोई भी स्पोर्ट्स अगर फिजिकली चैलेंज के लिए है उसी के लिए सिर्फ ये दिए जाते हैं ठीक है ये फर्स्ट टाइम जो दिए गए थे 1961 में फर्स्ट दिया गया था कृष्णदास को ही इज एसोसिएटेड विद आर्चरी ओके फर्स्ट रेसिपियंट हमने डिस्कस कर लिया तो फर्स्ट फीमेल भी बहुत जरूरी है आप सब लोग जानते हैं स्टेफी डिसूजा जो हैं उनको दिया गया था ट्रैक एंड फील्ड गेम्स के लिए ठीक है अब एक ऐसे पर्सन जिन्हें दोनों द्रोणाचार्य ठीक है और अर्जुन दोनों दिए गए हैं कौन है द आंसर फॉर द सेम इज पुलेला गोपीचंद देखो आप सब जानते हैं द्रोणाचार्य मतलब ही ही हैड बीन अ कोच राइट और इज सर्विंग एज अ कोच दैट इज अ थिंग और ये किससे एसोसिएटेड हैं बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं है. ठीक है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ 2001 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल गया है सो नाउ ही हैज यू नो टोटल देख लो तीन अवार्ड हैं ऑलरेडी ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज ध्यानचंद अवार्ड ये इंस्टीट्यूट किए गए थे 2002 में मेजर ध्यानचंद जो है ये आप सब लोग जानते हैं हॉकी प्लेयर रह चुके हैं एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज बिकॉज इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट्स में बाई हिज परफॉर्मेंस ऑल्सो उसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड द्रोणाचाचार्य अवार्ड जो है ये दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन ठीक है नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन टू सेलिब्रेट ध्यानचंद बर्थडे ध्यानचंद का जो बर्थडे होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसी दिन ये दिया जाता है दैट इज ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द्रोणाचार्य अवार्ड ये जो है जो भी एमिनेंट कोचेज हैं उन सबको दिया जाता है जिनके जितने भी मतलब जिनको वो गाइड कर रहे थे उन अगर वो अचीव करते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो तब उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है ओके एंड टॉकिंग अबाउट द्रोणाचार्य अवार्ड जो फर्स्ट रेस्लिंग कोच हैं जिनको ये दिया गया था एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हम डिस्कसिंग हुए दू तो दैट इज भाल चंद्र एंड भास्कर भागवत ठीक है इनको दिया गया था और फर्स्ट वुमेन की बात अगर हम करते हैं फर्स्ट वुमेन जिन्हें दिया गया था दैट इज रेनू कोहली एंड ये दिया गया था 2002 में ठीक है इसके अलावा आजकल एक और चीज़ स्टार्ट हुई है दैट इज द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ठीक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी स्टार्ट हुआ है और ये जो अवार्ड स्टार्ट हुआ 2011 ऑनवर्ड्स जो है ये स्टार्ट हुआ है अगर आप 20 साल से उससे ज़्यादा से प्लेयर्स की हेल्प कर रहे हो तो उस लिए दिया जाता है जो फर्स्ट अवार्ड है वो दिया गया कुंटल रॉय ये एथलेटिक्स के कोच हैं और राजेंद्र सिंह ये जो हैं हॉकी के कोच हैं ठीक है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इस साल जो द्रोणाचार्य अवार्ड है किन किन को दिए गए हैं ध्यान से देख लेना दीज आर लिटिल इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस हैं सो जस्ट लुक इन टू इट एंड लाइफ टाइम कैटेगरी में ये अवार्ड्स जो हैं देख लेना एक बार आप जस्ट गो थ्रू इट एक बार नज़र निकाल लेना आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है मेन uh, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको अच्छे से कर लेना दैट इज़ गोइंग टू कम इन एग्जाम हंड्रेड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज Pulitzer प्राइज Pulitzer प्राइज जो है फर्स्ट टाइम 1971 हंड्रेड एंड सेवेंटी वन में दिए गए थे ओके okay? एंड uh, ये फर्स्ट टाइम जो दिए गए थे फर्स्ट विनर की बात करें दैट इज जीन जुलियस जसराट इनका आपको नाम याद रखना है फर्स्ट इंडियन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ गोबिंद बिहारी लाल जर्नलिज्म के लिए नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सेवन में दिए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स देता है अब ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दी नेक्स्ट इज ब्रेम एंड मैक्स इसके बारे में भी आपके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ़िलिपींस देता कैपिटल डिस्कस की थी मैंने भी आपके साथ अगर याद नहीं है तो एक बार प्लीज वापस इस में, में इसके अलावा मदर टेरेसा को भी दिया है पीस के लिए अरविंद केजरीवाल जो है ओनली फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिन्हें मिला है जर्नलिज्म के लिए अमिताभ चौधरी को दिया है और पब्लिक सर्विस के लिए जयप्रकाश नारायण को दिया है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द रीमन मैक्स्य अवार्ड 2022 के लिए सो इस साल जो है किस किस को दिए गए हैं सो सिक्सटी फोर्थ जो अवार्ड्स थे वो थे एंड अगर हम बात करें किस किस को दिए गए हैं सो आंसर इसका जो है दैट इज़ ऑल ऑफ द बाओ सरा शिम ठीक है बर्नाडे मैड्रिड तदीशी हथोरी ठीक है इन सब को दिए गए हैं इसके साथ साथ इसके अलावा गैरी बेंचा गिब जो हैं उनको भी मिला है द स्पेलिंग इज दिस प्लीज एक बार देख लेना ओके दीज आर ऑल द नेम्स जिनको जिन्हें भी रेमन मैक्स से इस साल मिला है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज बुक आफ प्राइज ओ माई गॉड एक्सट्रीमली एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टेंट तो बुक आफ प्राइज की अगर हम बात करते हैं द मेन थिंग इज की फर्स्ट इंडियन जिन्हें मिला था वो कौन है फर्स्ट इंडियन आप सब लोग जाके वी एस माईपॉल जाके मत टिक करके आ जाना कि उन्हें मिला था फर्स्ट जो मिला था दैट वॉज़ अरुधति रॉय उन्हें मिला था ये नाइनटीन नाइन्टी एट में मैन बुक ऑफ प्राइज और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कौन सा जो नोवेल है उनके लिए मिला है सो so, बी एस नाइपॉल को मिला है इन अ फ्री स्टेट 1971 अब आप लोग बोलेंगे इनको तो पहले मिले हैं बट दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन ओके दे वर नॉट इंडियंस ये उस टाइम एनआरआईज वगैरह थे सो बेसिकली इंडियन ओरिजिन से हैं बट दे वर नॉट इंडियंस दैट पॉइंट इन टाइम दे वर सेटल इन समर कंट्री ओके सो बी एस नाइपॉल जो है इन अ फ्री स्टेट लिखी है उन्होंने सलमान रशदे जो है उन्होंने मिड चिल्ड्रन लिखी है अरुद्धति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किरण देसाई इन्हेरिटेंस ऑफ लॉस एंड अरविंद अ डी का द वाइट टाइगर ओके एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एक बुक है जिसका नाम जो है दैट इज रेत समाधि टू मूव सैंड ये गीतांजलि श्री जो है उन्होंने लिखी थी और ये फर्स्ट हिंदी बुक है जिसको अवॉर्ड किया गया है इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज बिकॉज ये बुक जो है ट्रांसलेट की थी डेजी रॉकवेल ने ओके okay, एंड इसको प्रेजेंट किया था सो शी वॉन्ट दिस बुक ऑफ प्राइज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चांसेज हैं इस बार एग्जाम में आ जाए कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ 2022 में बुक प्राइज किसे मिला है श्रीलंकन ऑथर है जिनका नाम है शेहान उन्होंने लिखी है द सेवन मून्स ऑफ मालियाल मीरा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये भी इसको भी याद रखना ठीक है ये ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और टॉकबाउट ऑस्करस ऑस्कर जो है स्टार्ट हुए थे नाइनटीन में इसमें हमें बच कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंडिया से एसोसिएटेड है वही याद करनी है जॉर्ज बर्नाल्ड शॉ जो हैं ये ओनली पर्सन है जिन्हें मतलब अ uh, ऑस्कर भी मिला है और उसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ भी मिला है ठीक है ऑस्कर इन्हें मिला था 1938 में नोबेल प्राइज़ जो है इन्हें लिटरेचर में मिला था सो ये आपको याद रखना है मदर इंडिया जो है ये फर्स्ट मूवी है जो नॉमिनेट हुई थी ठीक है सेलेक्ट uh, नहीं हुई थी याद रखना है नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर्स के लिए भानु अथैया जो हैं इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मिला था फॉर हिज मूवी गांधी ओके एंड गांधी के लिए दिया गया था और ही इज़ द फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर मिला था इन नाइनटीन एटी टू इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद बात करते हैं सत्यजीत रे की सत्यजीत रे जो हैं इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फॉरवर्ड पत्थर पचाली ठीक है पत्थर पचाली के लिए इन्हें मिला था नेक्स्ट आते हैं गुलजार गुलजार विद ए आर रहमान अगर हम बात करें आप लोगों ने स्लम डॉग मिलेनियर का जय हो सुना है ना तो जय हो के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था नेक्स्ट इज रेसुल पुकट्टी इनको मिला है स्लम डॉग के लिए स्लम डॉग का ही ये मूवी थी राइट आ, स्लम डॉग मिलेर जिसमें जय हो था सो so, स्लम डॉग में इनको मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए ठीक है बेस्ट साउंड मिक्सिंग इस साल भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है ऑस्कर से रिलेटेड दैट इज़ कि एक गुजराती फिल्म जो ऑफिशियली एंट्री मिली है जैसे ऑस्कर्स के लिए 2023 के लिए कौन सी मूवी है तो द आंसर फॉर द सेम इज चेलो शो तो दिस इज एक्चुअली अ गुजराती मूवी और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सो प्लीज़ ध्यान रखना नेक्स्ट जो है दैट इज़ दादा साहेब फालके अवार्ड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट किस वजह से है बिकॉज दिस इज़ द हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा हाइएस्ट अवॉर्ड इन फील्ड ऑफ सिनेमा ठीक है और ये फर्स्ट टाइम जो अवार्ड किया गया था दैट वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन और जो फर्स्ट रेसिपियंट थी दैट वॉज देविका रानी ओके एंड फर्स्ट लेडी ऑफ बेसिकली इंडियन सिनेमा यू मे से एंड इफ आई टॉक अबाउट हु हैज बिन अवॉर्डेड दादा साहेब फालके अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए दिस इज एक्चुअली फिफ्टी सेकेंड ओके okay, याद रखना है फिफ्टी सेकेंड है ये और ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू में दिया गया है दो इट वॉज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी टू में दिया गया है याद रखना द आंसर फॉर द सेम इज आशा पारिक ओके और इससे पहले जो रेसिपेंट फिफ्टी फर्स्ट रह चुके दैट इज रजनीकांत और उससे भी पहले अमिताभ बच्चन ओके उसके बाद जितने भी नोबेल प्राइजेस रहे हैं और उसमें स्पेसिफिकली इंडियंस की अगर हम बात करें दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें पूछ लेते हैं कि जो पर्सन है एंड कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है जैसे कि हरगोबिंद खुराना को किस लिए मिला है मेडिसिन के लिए मिला है तो वेंकट रमन रामाकृष्ण को किस लिए मिला है केमिस्ट्री के लिए मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए मिला है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट कि कौन से पर्सन इज एसोसिएटेड विद विच नोबेल प्राइज ओके द नेक्स्ट वन इज की जो मैरी क्यूरी हैं उन्हें दो डिफरेंट नोबेल प्राइजेस किस किस के लिए दिए गए थे द आंसर फॉर द सेम इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओके केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए दिए गया आंसर जो है दैट इज ए केमिस्ट्री के लिए 1911 में दिया गया था और फिजिक्स के लिए 1903 में दिया गया था द नेक्स्ट इज कि आइंस्टीन जो है उन्हें नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया तो आप सब लोग जानते हैं इन्होंने you know, एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसलिए इन्हें दिया गया टॉकिंग अबाउट 2022 ट्वेंटी टू नोबेल प्राइज मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ करंट अफेयर्स में मैंने इसमें डाल दिया एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना रिवाइज कर लेना ठीक है मेडिसिन से एसोसिएटेड कौन है मैंने याद भी कराए थे आपको करंट अफेयर्स में ना एक तरीके के साथ तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लेना ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक पूरी फैमिली है जो कि नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है एंड दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट सो पेरी क्यूरी फादर थे मेरी क्यूरी मदर थी और एरिन लॉयट क्यूरी जो हैं दैट इज़ डॉटर और इन तीनों को ये अवार्ड मिला है सो दिस होल फैमिली हैज गॉट नोबेल प्राइज इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है अब हम जल्दी से फर्स्ट हु इज हु जितना हमने पढ़ा है सब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसके बाद हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू अवार्ड्स फर्स्ट इंडियन जिन्हें भारत रत्न मिला था अभी पढ़ा था सी राजगोपाल फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड ही जिन जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बने थे अभी राधा कृष्ण के बारे में बताया था ना मैंने आपको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं ऑफ इंडिया उसके बाद जिन्हें पॉस्टिमसली मिला था लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे सी वी रमन थे ओके okay. उसके बाद आता है कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पार्लियामेंट्री अवार्ड श्री चंद्रशेखर 95 में उसके बाद गांधी पीस प्राइज जो है जूलियस नेरे जो है 1995 उन्हें मिला था फर्स्ट रेसिपिएंट वो रही हैं उसके बाद कम्युनल हार्मोनी अवार्ड जो है वो फर्स्ट किसे मिला था जल्दी से भाई ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस रिवाइज कर लो ठीक है फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें भारत रत्न मिला है दैट इज जे टाटा फर्स्ट वुमेन जिन्हें भारत रत्न मिला है अभी हमने डिस्कस किया था इंदिरा गांधी उसके बाद सचिन तेंदुलकर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था फिर ज्ञानपीठ अवार्ड जो है जो फर्स्ट थे दैट इज शंकर कुरूप उसके बाद साहित्य एकेडमी अवार्ड जो इंग्लिश के लिए दिया जाता है फर्स्ट रेसिपियंट कौन रहे हैं आर के नारायण ये मैंने नहीं पढ़ाया सो इसको एक बार देख लेना फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद फर्स्ट वुमेन का नाम मधेश्वरी ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो फर्स्ट है अपर्णा घोष को मिला है फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला सलीम दुर्रानी परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा भी पूछा था मैंने आपसे मेजर सोमनाथ शर्मा उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखाऊँ फर्स्ट एंड ओनली फ्रॉम एफोर्स देन अशोक चक्र जो है जो फर्स्ट वूमेन जिन्हें मिला था दैट इज़ निर्जा भानोट फिर रेसिपेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की नी अगर हम बात करें फर्स्ट दैट इज यू ओके then first recipient of indira gandhi award for international justice and harmony, Yaseer arafat. this is important to thoda, just revise it through. that is all. coming to the first question, the former president of united states, has award, awarded the award, he? and he has actually done a narration in the great national parks, during netflix documentary. the answer for the same is barack obama. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज यूनेस्को का जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है कौन सी तीन सिटीज़ है जिन्होंने ज्वाइन किया है इसका आंसर है ऑल ऑफ द बाओ ये तीनों जो हैं केरला और तेलंगाना की सिटीज़ है वारंगल त्रिसुर और नीलांबूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ नाटू नाटू सॉन्ग जो है ये इसको ना फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है दैट इज इन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी ये कौन सी मूवी से है द आंसर फॉर द सेम इज़ आर 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 एंड द नेक्स्ट वन इज

कमिंग टू द नेक्स्ट वन साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं और ये कितनी लैंग्वेजेस में दिए गए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में दिए गए हैं सो so, ये दिए गए हैं इन ट्वेंटी वन लैंग्वेजेज इन टोटल एस्टैब्लिश कब हुए थे नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर में हुए थे जो फर्स्ट है ये दिया गया था आर के नारायण को लिट्रेरी अवार्ड है ये इंडिया का लिट्रेरी अवार्ड है याद रखना लिटरेचर से एसोसिएटेड uh, है ठीक है दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर इसके साथ साथ जो नमिता गोखले हैं उन्हें इस बार ये किस लिए दिया गया है इंग्लिश नोवेल के लिए दिया गया है देआर डिफरेंट डिफरेंट ऑफकोर्स बहुत सारी uh, इसमें लैंग्वेजेस हैं, पर इंग्लिश का एक बार हम याद कर लेते हैं थिंग्स टू लीव बिहाइंड इन्होंने एक नॉवल लिखी है एंड उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन सरगम कौशल जो हैं जिन्हें मिसेज वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू टाइटल दिया है कौन सी कंट्री से हैं इंडिया से हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इस साल जो दिए गए हैं इन टोटल कितने लोगों को दिए गए हैं ट्वेंटी सेवन पीपल हैव बीन यू नो सेवेंटी टोटल ट्वेंटी सेवन पीपल गॉट दिस अवार्ड एंड अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय कन्वेंशन जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हुआ है उसकी थीम क्या रही है ये इंदौर में होस्ट किया गया है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जैन में ओके okay, एंड इसका जो थीम रहा है दैट इज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृतकाल ठीक है तो ये आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज और आल्सो वन मोर थिंग ये सेवनटीन्थ जो प्रवासी भारतीय कन्वेंशन था ठीक है याद रखना है देन नेक्स्ट इज हु हैज़ वन यूनाइटेड नेशन हाइएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आंसर क्या है सुनीता नारायण उसके बाद पीस प्राइज जो है गांधी मंडेला फाउंडेशन ने इस बार किसे दिया है इसका जो आंसर है दैट इज दलाई लामा एंड ही हैज इट टू प्रमोट द पीस ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज किसे गोल्ड अवार्ड मिला है फोर्टी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल में द आंसर फॉर द सेम इज़ टाटा पावर द नेक्स्ट इज की रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये ब्रिटेन का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू साइंस एक अवार्ड uh, है ये किसे दिया गया है द आंसर फॉर द सेम इज़ वेंकी रामाकृष्ण ये इंडियन बॉर्न नोबेल लॉरिएट है नोबेल प्राइज भी दिया गया है ठीक है बट ही इज ही इज एन एन आर आई नॉट इन इंडिया ही इज इंडियन बॉर्न ओनली अभी इंडियन नहीं है ठीक है इंडियन बॉर्न है बस तो याद रखना है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ये किसने दिया है दिस गिवन किंग चार्ल्स थ्री याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने सिल्वर ट्रम्फिट दिया है ये ट्रम्फिट बैनर जो है ये किसको दिया है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज प्रेजिडेंट्स बॉडी गार्ड उन्हें ये दिया है ओके okay? टॉकउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सी इंडियन सिटी है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जिसको मिला है इस बार द आंसर फॉर द सेम इज हैदराबाद ठीक है द नेक्स्ट कौन से नेशन से हैं जिन्हें शास्त्र रामानुजन प्राइज मिला है यूंकिंग तांग जो है हीस्ट फ्रॉम चाइना और ये रामानुजन प्राइज जो है ये दिया जाता है मैथ्स के लिए ठीक है और जो भी थर्टी टू या उससे मतलब कम एज के हैं उन्हें दिया जाता है सो इट्स गिवन फॉर मैथ्स होम सेक्रेटरी थी उन्हें यह दिया गया है कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन विद एंड ऑल दस जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है सब कुछ कवर हो गया है So the question is who has been conferred with, with Singapore's prestigious military award? So this jo answer hai, that is none other than Admiral Sunil Lama. He had been our Navy ke chief, hai na, previous. So upko yadrak na hai very, very important.